नमस्कार, मैं नीरज चुग और पल पल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो कहिए, आपके नन्हे मुन्नों ने कितना कुछ सीखा? जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जा रही हूँ, क्या वैसे के वैसे बच्चे आगे सीख पा रहे हैं या नहीं, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से बच्चे को सिखाते जाएंगे तो बच्चा इजीली सीख लेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि कल हमने आपको अनार की शेप बनानी सिखाई थी, अनार पहले 3 बनाकर 1 बना के उसको बीच में से ज्वाइंट करना था, तो इसी तरह से अनार के बाद आम बनाना बहुत ही इजी है। सेम अनार के लिए पहले 4 डॉट्स लगाएंगे, फिर 2 डॉट्स लगाएंगे, सेम 2 डॉट्स और लगाने हैं। इसी तरह से पहले बच्चा ये 3 बनाएगा, 2 बार 1 बनाने हैं और 1 1 के साथ 3 को ज्वाइन करना है। इस तरह से आम की शेप बन जाएगी। इस तरह से तो बच्चे को पूरे पेज पर हम डॉट्स लगाकर देंगे। इस तरह से 3 और 2 बार 1, इसको इसी तरह से बच्चा इजीली डॉट्स को ज्वाइंट करता हुआ इजीली आम की शेप बना लेगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसको आम की शेप बनाते टाइम पूरा इसको ज्वाइंट कर देते हैं इस वन की तरफ, तो इसको पूरा नहीं कट करना, उसको बताना है कि 1 1 की तरफ उसको इस तरह से ज्वाइंट करना है। इस तरह से बच्चे को 1 2 बार बताएंगे तो इजीली वो सीख जाएगा। स्टार्टिंग में 1 2 बार गलतियां करता है बच्चा, लेकिन बाद में उसकी हैबिट हो जाती है, वो इजीली शेप्स को बनाने लगता है। जैसा कि हमने कल आपको 3 की शेप बनानी सिखाई थी और स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वर्ड बनाते हैं, तो 4 में आज हम 4 बनाएंगे। 4 बनाते टाइम क्या करना है कि बच्चे को बताएंगे कि पहले छोटा 1, उसके बाद बड़ा 1, देन ज्वाइन इट। इसको पहले छोटा 1 बनाएंगे, फिर बड़ा 1 बनाएंगे, फिर इसको ज्वाइंट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लीपिंग लाइन। इस तरह से 4 की शेप बन जाएगी। पूरे पेज को हम 4 से फिल करेंगे। एक दिन में बच्चा एक ही वर्ड का पूरा पेज करेगा तो उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी और वो इजीली बनाना भी सीख जाएगा। इस तरह से हम डॉट्स लगा के देंगे, छोटा 1, देन बड़ा 1 एंड देन ज्वाइंट इट। इस तरह से 4 की शेप बच्चा इजीली बना। जैसे कि हमने कल आपको ए की शेप बनानी सिखाई थी, बच्चा ए प्रॉपर बनाना अगर सीख गया है, कम से कम उसे 1 वीक तो लगता ही है ए की शेप बनाने में, तो अगर ए की शेप बच्चा प्रॉपर बनाने लग गया है तो उसे बी बनाना सिखाएंगे। बी सेम जैसे पहले हमने पीछे अनार में 3 बनाना सिखाया बच्चे को, और काउंटिंग में भी 3 बनाना बच्चे को इजीली आ ही गया है। जैसा कि आज 4 बनाया है तो 3 उससे पहले बच्चे को बनाना आ गया है, तो इसी तरह से 3 डॉट्स लगाएंगे। 3 डॉट्स के ऊपर उसको बताएंगे कि पहले आपने 3 बनाना है, जैसे काउंटिंग में 3 बनाया था, और उसके बाद आगे 1 बनाना है। इस तरह से शेप बन जाएगी हमारी B4 बॉल की। ये इस तरह से 3 बनाने के बाद आगे 1 बनाते हुए B4 बॉल की शेप इजीली बन जाएगी। पहले बच्चे ने 3 बनाना सीख रखा है तो इसलिए उसे B4 बॉल बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।